खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारी 20 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे। वहीं राजस्व पटवारी संघ ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है, साथ ही 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 2 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर 8 जुलाई से हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आहट मिल रही है आंदोलनों की। 8 जुलाई से दरअसल छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग संगठन है वो एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं और अपनी मांगों को लेकर हजारों संविदा कर्मचारी 20 जुलाई को प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व पटवारी संघ ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। एक तरफ पटवारी संघ आंदोलन की चेतावनी दे रहा तो दूसरी तरफ एक साथ 20 जुलाई को हजारों संविदा कर्मचारी भी आंदोलन की तैयारी में हैं। तो पटवारी संघ भी आंदोलन पर जाने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ संविदा कर्मचारी भी 20 जुलाई से जा सकते हैं आंदोलन पर और एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने का ये प्रयास माना जा रहा है। फेडरेशन 20 जुलाई 2024 को तूता नवा रायपुर में एक ध्यान आकर्षण रैली कर रही है। इस रैली के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। खबर रायपुर से है जहां महिला थाना प्रभारी को जेल हुई है। कोर्ट ने 19 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर महिला थाना प्रभारी को भेजा है। महिला TI को ACB ने गिरफ्तार किया था। 20,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुई थी महिला थाना TI और अब 19 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है महिला थाना प्रभारी को। खबर दंतेवाड़ा से जहां इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। 8 लाख का इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। वहीं और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कहा जा रहा है कि इस नक्सली ने सरेंडर किया है। 8 लाख का इनामी नक्सली था ये जिसने सरेंडर किया है। ये बड़ी उपलब्धि भी सुरक्षा बलों के लिए। और कवर्धा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 साल पहले हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। इस मामले में आरोपी 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी का सामान और चोरी के पैसों से खरीदी गई बाइक भी बरामद की गई। रिकवर हुआ था उससे उन्होंने सामान खरीदा, उसकी जब्ती की गई है। तो घटना में आज दिनांक 6 लाख रुपए, कुछ सोने चांदी के जेवरात, 2 कार स्विफ्ट की और 2 स्कूटी, इनकी अभी तक जब्ती की गई है। आगे टीम जाएगी रतलाम के लिए रवि को पकड़ के, उसके पश्चात और भी सोने चांदी के जेवरात हैं उसकी बरामदगी की उम्मीदें हैं। और बात बलरामपुर की जहां दोहरे हत्याकांड मामले में जांच के लिए SIT की टीम मौके पर पहुंची। 9 सदस्यों वाली SIT की टीम डबल मर्डर की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 27 मई को बजरंग दल के नेता सुजीत स्वर्णकार और किरण कांशी का शव जंगल में मिला था। पुलिस ने मौत की वजह करंट लगना बताया था। पुलिस ने करंट बिछाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कल से ही उन्होंने फाइल और सब चीज़ चेक करना शुरू किया है। आज घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। कोतवाली क्षेत्र का मामला है, पुरुष और एक महिला की जिसमें मृत्यु हो गई थी। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। करंट के द्वारा इनकी मृत्यु हुई है, जिसमें SIT टीम बनी हुई थी। कल से ही SIT की टीम आकर अपनी जाँच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने News 18 के भोपाल ऑफिस वो पहुंचे जहां उन्होंने न्यूज चैनल के कामकाज का तरीका देखा और खबरों की बारीकियां भी सीखी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपने सुझाव भी दिए।
और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।